डेवलपमेंट सेक्टर विद द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अमिटी यूनिवर्सिटी. ये बहुत लोगों को लग सकता है अजीब कि मध्य प्रदेश एक राज्य क्यों यहाँ आकर बैठा हुआ है इतने बड़े भारत देश से. वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है और बीच में है. वी हैव मोर देन 7 स्टेट्स विच बॉर्डर मध्य प्रदेश और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कॉन्टेक्स्ट में उसका दो प्रकार तीन प्रकार से उसको हम देख सकते हैं. ईस्टर्न मध्य प्रदेश हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया और जो जनजातीय समाज है वहाँ से बहुत ज़्यादा मानव तस्करी होती है बहुत तरीके से. मेरा खुद का अनुभव है. एक बार कश्मीर में किसी बैठक में मैं गई थी और वहाँ सड़क बन रही थी और ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि दूर दूर पर जो सड़क वगैरह पर मजदूर काम करते हैं वो मेरे गृह राज्य बिहार या झारखंड से होते हैं या कभी कभी छत्तीसगढ़ से होते हैं. लेकिन मैंने वहाँ पे लोगों को आपस में मालवी भाषा बोलते हुए सुना एंड बिकॉज आई हैव बीन पोस्टेड इन द मालवा रीजन तो मुझे वो भाषा समझ में आई तो मैं रुककर उनसे बात करने लग गई. तो ढेर सारे लोग कश्मीर में सड़कों पर काम कर रहे थे और पूरी तरह बंधुआ के रूप में ठेकेदार के द्वारा ले जाए गए थे. तो मध्य प्रदेश में सप्लाई चेन तो है ही, वहाँ पे कंजम्पशन भी है. वेस्टर्न मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर और उस तरफ के जो इलाके हैं वो वहाँ से वहाँ बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं. बांछड़ा कम्युनिटी है, बेड़िया कम्युनिटी है, सांसी कम्युनिटी है जो कि पूरी दुनिया भर में सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए मशहूर है. आप अगर उसको करेंगे तो उनके समाज में ट्रेडिशनली वो प्रोस्टिट्यूशन प्रैक्टिस करते हैं और वो खुद के बच्चों को लेकर ही नहीं करते, वो बाहर से भी बच्चों को ख़रीदते हैं और उनको खरीद बेच का काम करते हैं. लेकिन तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मध्य प्रदेश के बारे में वो ये है कि वो चारों तरफ से ट्रैफिकिंग के आने और जाने का बीच का इलाका है. तो मध्य प्रदेश में चारों तरफ से आना और जाना, लेना और देना, उसके लिए भी एक रास्ता है. चाहे उत्तर से दक्षिण ट्रैफिकिंग हो रही हो, चाहे पूरब से पश्चिम हो रही हो, ऑन इन ऑल फोर डायरेक्शंस यू हैव टू क्रॉस दैट एरिया. तो वहाँ का खास करके हम प्रिवेंशन के लिए और डिटेक्शन के लिए बहुत उपयोग कर सकते हैं. सोचते हो कि जब हम मानव तस्करी का समाधान के बारे में, का सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तब समाधान अर्ली इयर्स का समय में, बचपन का समय में खोज सकते हैं. मतलब I think the support we give to our young people is really important, including in the very, very early years. What support do we give to children who are 1, 2, and 3 before they go to school? What sort of structure do they have? And then at school, how can we teach our children to believe in themselves, to have self-esteem and self-confidence? I think besides mathematics and language and science, these are really important life skills in the 21st century. And then after school, what are the opportunities we can provide to young people as we think about the future of work? I think the answer lies in some of these things. And I'd just like to finish by saying that it gives me so much hope for the future of India to feel the energy of young people whenever I meet young Indians. And I was feeling the energy today of the actors and actresses and the poets, your commitment to change, to making things better in your country. It gives me
so much hope, there's so much energy there. So my congratulations to all the artists today. Penniva. से कई वर्ष पहले मैं यूएन वुमेन नाम की संस्था में काम करता था और हमारे कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर। तो आज जो मैंने देखा उससे मुझे ये लग रहा है कि जो चेतना है मानव तस्करी के बारे में वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं, उन्होंने जिस जोश और जिस एनर्जी के साथ मानव तस्करी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं एक दो और स्वरूपों की बात करना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से कई बार शायद हम नहीं सोचते। पहला है, और ये पुराने अनुभव के हिसाब से कह रहा हूँ, तो अगर कुछ नए अनुभव में गलती दूसरा हो तो क्या मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मानव तस्करी कई बार घर से शुरू होती है, सड़क से, और कई बार जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स में देखा गया कि मानव तस्करी या तो कई बार माता पिता या पड़ोसी या कई बार शिक्षक या रिश्तेदार, उन सबों का एक रोल होता है एक हिसाब से, या बिक्री। और दूसरा ये भी है कि मानव तस्करी में एक चेन होती है जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक जाती है और बहुत ही ऑर्गेनाइज होती है। और उसमें जिनकी जो उसके जो विक्टिम्स या सर्वाइवर होते हैं उनका विश्वास कई बार तोड़ा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द थिएटर्स द एक्टिंग दैट वी सॉ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी द अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट यू हैव डन टू come and speak and you know share your thoughts with us. So I am quite affected, so I think pardon me if I am still reeling under the pressure of the immense performance that I saw today. You are the future. You constitute 45% and more of the population. You are the energy. You are what is going to take this country forward. And particularly for this reason, it is very important to have this dialogue with you. Sense of inquiry जो आप में है, जो conventions ऐसे हैं हमारे कि वो दबा देते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं हमारे sense of inquiry दब जाता है, हम जो भी देखते हैं उसको accept करते हैं। student में वो capability है, वो sense of inquiry को activate करके रखना, और जब आप अपने sphere में जाएंगे, अपने career में जाएंगे, आप उस चीज़ को लेके जाएंगे। आज का जो पैनल डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे संस्था के लिए, जो ये विश्वास करता है कि हर कोई इस मूवमेंट में जब जुड़ जाएगा तभी हमारे देश में ट्रैफिकिंग का जो प्रॉब्लम है वो घट सकता है। So when we're talking about the abuse which the children particularly face, even in the organizations which are meant to help them, so obviously what is required is a strict sense of monitoring from the side of the administration as well as from our side. So when we, it is like I'm not sure if I'm totally correct in like remarking this, but we have a very complacent attitude these days regarding issues as such. So when we are talking about ki ye center hai, I'm sorry, I'm just going bilingual right now. So if it is an issue ki acha ab ye ho gaya, ye rehabilitation center hai, par yahan pe bhi ye hota hai, you are aware of it, but what is required on our part, perhaps as a youth presenter here, is that even we going to the thorough research. Obviously all the facts are not surfaced on the face of it, not on the website of any organization, but when we are actually linking up with them, when we are working for NGOs, we include ourselves into these activities as youth, so we can actually go into that sense of monitoring, and then we can just get back to on how, what is the, not a vague aspect, but a more clear defined thing. Sure. First of all, there are a lot of laws and policies which actually disallow many of the things that are happening. We all know that. But these laws are not practiced. Why? Number one, very few people actually know about these laws. The legalities of it are sometimes so complicated that even if you would like to do something, you get stuck into it. There is a huge need to
simplify law and talk about it to common people, including those who are managing institutions. Third, I think accountability is something which lies within and in an ecosystem if you are able to build that environment. And it is the duty of every institution to ensure these accountability, which means that these instances should not happen. Monitoring systems are really, really not that good. There is no serious action taken, and sometimes it is almost like years before something can actually happen. So, number one, I think that we really need to have a more accountable attitude. We need to have more sensitization and orientation of office bearers who are responsible for this position. Now, let me tell you something. Training is something different, but sensitivity is an issue which really, really needs to be tackled and talked about at every level. So one is that I think that we need to have to enforce the laws that we have more. We need to have stronger monitoring mechanisms in place, quicker response to where violations are happening. And you asked one question, that how can we get involved in it? I think you as the youth, if you come to know about it, talk about it in social media. You can create the the movement, the force. You can kind of make it an issue. You come, you have an energy which, if it gets together, is going to propel the other actors who are responsible for it to take an action. I think one of the things that the youth can do is actually awareness, is actually creating a movement, is actually, getting into campaigns and showing that you will not tolerate this, even if it is not your sister or brother who is there. So I think that is something the youth can do. So track child ho, athwa you go to the thana and that Supreme Court judgment ho, BBA wale case mein. You know the BBA case, the Bachpan Bachao case. And in that Supreme Court has ordered ki koi bhi missing person ka report hoga, to crime register hoga. Uske baad, if the crime has not been committed, then you can always close the case. But ab initio, you have to register a crime. So these things are very recent. It's not even 10 years old. So this whole consciousness within the administration also has come very recently. The other part is that sarkari naukri mein aap naukri karne ke liye ja rahe hain. Kisi commitment se ja rahe hain, aisa nahi hota. Because humare desh mein naukriyon ki itni kami hai. और पक्की नौकरी सरकारी है. सो मोस्ट पीपल हु वॉन्ट टू डू अ जॉब फर्स्ट ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. सो दे आर डूइंग अ जॉब, देर इट माइट नॉट बी देयर कमिटमेंट कि वो जो रिहैब में जा रहे हैं दे आर कमिटेड टू रिहैब, या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रिवेंशन में जा रहे हैं दे आर कमिटेड टू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो उनको आप किसी भी व्यक्ति को जो उसके एटीट्यूड है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है. इट्स बेटर टू टेक अ पर्सन हुज कमिटेड. तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का साइकोमेट्रिक टेस्टिंग किसी भी सरकारी नौकरी के लिए नहीं होता है, और इसलिए वी माइट नॉट गेट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. तो वो व्यक्ति वहाँ आता है, उसको नौकरी करनी है, सुबह से शाम बिताना है, तनख्वाह लेना है, वो घर जाना है, तो उसमें फिर वो उसका एटीट्यूड नहीं. इसलिए देयर द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, कॉन्शियस यूथ, activities of youth is coming there. आपने social media की बात की. Internet, like all inventions of mankind, is two-pronged, है ना. उसके दो चेहरे हैं, एक अच्छा चेहरा है डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड, है ना, एक अच्छा चेहरा है और एक दुष्ट चेहरा है. तो इंटरनेट के दुष्ट चेहरे के थ्रू भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होता है. और अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज पुलिस के सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस टोटली इलिटरेट है आज की डेट में, except for very few compact units, unko chhodkar generally illiterate hai, wo hai in the web-based trafficking. Aur ye sara jo pura chakkar hai, usme youth se zyada acha role kisi ka nahi ho sakta. Because hamari generation seekhegi, aap usme paida hue ho. Mata pita bech rahe hain bachcho ko. Aap samajh rahi hain? Maine Indore mein IG rehte hue ek survey karaya rape cases ke,
और 97% 97% ऑफ रेप्स वर डन बाय फैमिली और नोन पीपल रेप्स. सो दिस इज, ये तो ये स्थिति तो है ही, तो पुलिस कहाँ से आई है? इसी समाज की तो पुलिस है ना, ये पुलिस तो कहीं और से तो आई नहीं है ना. बहुत बिल्कुल गंगा जल पी के जी रहे हैं वो, ऐसा भी नहीं है. दे कम फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उनके पूरे पूरा जो बैगेज है वो वही है जो अपने समाज का बैगेज. तो इसलिए हमें पुलिस से वही अपेक्षा करनी चाहिए जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं. पुलिस के पास कुछ ऐसे शक्तियाँ हैं जिससे वो रोक सकती हैं और दंडित करने के रास्ते में ले जा सकती. दंडित कर नहीं सकती, दंडित करने के लिए वो कहाँ ले जाएंगी? कोर्ट में ले जाएंगी. पुलिस के साथ इट्स ओनली, पुलिस हैज़ ओनली अ मिनिमल रोल इन दिस, इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वेयर इट कैन डिटेक्ट समथिंग एंड टेक इट टू द कोर्ट. सज़ा तो कोर्ट देगी ना. सज़ा के बावजूद कई बार लोग कहते हैं कि फांसी की सज़ा दे दो, ये दे दो, उससे डिटरेंट होता है. मैंने अपनी आँखों से देखा है. एक धार ज़िले में एक बच्ची के साथ में रेप विथ मर्डर हुआ. हमने उसको प्रायोरिटी केस लिया. जज साहब के पास जाकर मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया कि इसमें जल्द से जल्द आप न्याय कीजिए. उन्होंने, हमने क्योंकि पकड़ लिया था रेपिस्ट को, तो उन्होंने कुल 20 दिन में पूरा ट्रायल ख़त्म करके, ऐसा कहीं यूरोप में भी नहीं होता होगा, 20 दिन में ट्रायल ख़त्म करके उसको मृत्युदंड दिया, क्योंकि वो मैक्सिमम दंड था उसके लिए. उसका लोगों ने कहा इसका खूब प्रचार करो, तो इसका बहुत प्रचार हुआ, अखबारों में आया, टीवी में आया, देश में, इन दिल्ली, बम्बई, हर जगह से लोगों ने मुझे बधाई दी. बहुत अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ. इट वॉज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रायल्स. उसके ये हो गया, हर जगह हल्ला हुआ. विद इन 15 डेज उसी ज़िले में, मे बी 30 किलोमीटर के अंदर अंतर में, एक और ऐसी तरह की घटना. कोई डिटरेंट नहीं होता. मनुष्य के अंदर के जो पाशविक बीस्टियल, जो भी उनके कर्म हैं, उसको हम क्या करेंगे? लेकिन पुलिस का काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि उसको सूचना मिले तो काम करे, सूचना पाए भी और सूचना मिले तो काम करे. और अगर वो सूचना मिले तो काम नहीं करता है, तो पुलिस में भारत में अभी भी बहुत सी हायरार्की है. अगर मान लीजिए कि आप सोचते हैं थाने के स्तर पर नहीं हुआ, देन यू गो टू द DCP लेवल और द CP लेवल, इन्फॉर्म द AHTU. उनके अब आजकल तो सभी लोग ट्विटर पे हैं और सभी सारे पुलिस वाले भी सोशल मीडिया पे हैं. आप उस पर उनको बताइए. आप, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन शेमिंग द पुलिस, क्योंकि वो आपके सेवा के लिए है, आपके सर्विस के लिए है. शायद एक सवाल है कि क्या है कि हम इस प्रकार का अपराध के बारे में कह सकते हैं, क्या है कि हम कह सकते हैं? हमारे पास शक्ति जवाब देने के लिए है, हमारे पास शक्ति है. और मेरे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि स्वीडन में एक लड़की है जिसका नाम ग्रेटा थंबर्ग है. ग्रेटा, क्या आपने ग्रेटा के बारे में सुना है? ग्रेटा 15 साल का है ग्रेटा, और ग्रेटा जलवायु परिवर्तन का एक्टिविस्ट है, और ग्रेटा व्यक्तिगत से बहुत सा कार्यक्रम में प्रेशर दिया है कि हम लोग, हमारे कार्य सरकार से जलवायु परिवर्तन के बारे में अच्छा काम करते हैं. तो मेरे लिए ग्रेटा बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम लोग, कि जवान लोग शक्ति के साथ, बोले के साथ जगत बदाना खा सकते हैं. Million people are affected by human trafficking, and so as your point that 70% of transactions of human trafficking are done online right now, 70%, it's a very big ratio. So ma'am, with due respect, ma'am, in your experience you have seen cases of human trafficking in first hand, as we only hear or we listen in news about it, but you have seen it. Ma'am, how does it actually unfold in reality? How does it actually unfold? Actually, much of what is done was shown in those street plays. They were very well researched and very well presented in both the plays. And जो होता है, जैसे करते हैं, वो बहुत कुछ उन्होंने दिखाया है. जो online community इनकी है, दो प्रकार की है. एक तो जो simple messaging से या WhatsApp से link करते हैं और एक दूसरे को भेजते हैं. मध्य प्रदेश से बहुत बड़ा खासकर लड़कियों को
भेजा और बच्चों को भेजा जाता है मिडिल ईस्ट में. तो मिडिल ईस्ट के लिए व्हाट दे डू इज के उनके लिए उन्होंने डीप वेब में जो डार्क नेट का नाम आपने सुना होगा, डोंट ट्राई टू पेनिट्रेट इट, इट्स नॉट अ गुड प्लेस, लेकिन उसके अंदर वो लोग उनको कनेक्ट करते हैं और वो बहुत ख़तरनाक है और पुलिस वाले भी उसमें डर कर जाते हैं क्योंकि बहुत सारी दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और इस तरह की हरकतें हैं वो वहाँ पर नज़र रखती हैं. तो उसमें लेकिन इसके अंदर ये बहुत बड़ा कारोबार है और चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूएई में, खासकर हमारे मध्य प्रदेश का बहुत सारा बेड़िया समुदाय की लड़कियां और बांछड़ा समुदाय के बच्चे ये यूएई में बहुत ज़्यादा जाते हैं और छोटे बच्चों को वो एक बुजकशी करके वहाँ पे होता है उसके लिए और लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए ले जाते हैं, से कि डोमेस्टिक हेल्प या इस सब के लिए ले जाते हैं पर इन चीज़ों के ले जाते हैं. इसका तरीका बेसिकली ये होता है जैसा इन्होंने दिखाया कि गाँव ये कम्युनिटीज़ हैं, एक्चुअली ये कम्युनिटीज़ छोटे बच्चों को ही ले आते हैं अपने यहाँ, छोटे बच्चों को. हमारे यहाँ एक पुलिस अधीक्षक हुए हैं डॉक्टर जी के पाठक, कभी आपको उनका यहाँ लेक्चर कराना चाहिए. उन्होंने एक साथ 258 बच्चों को छुड़ाया था और डीएनए टेस्ट करा के फिर उनके उनमें से 75 अपने पेरेंट्स से मिल गए 75, और बाकी जो बचे थे उनको उन्होंने फिर रिहाब में डाला अपना घर करके. मंदसौर एक डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ नोन एज द गोल्डन ट्रायंगल क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स का, नार्को का बहुत बड़ा वो है, जो हमारे भारत का सबसे ज़्यादा ओपियम वहीं पैदा होता है और वहीं पे ये कम्युनिटी भी रहती है. तो इट इज़ लिंक्ड विद द सेम पीपल जो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं और वो इसमें करते हैं, वो एक पापी हर सभी पाप करता है तो वो पूरे इकट्ठे होकर करते हैं और इनका ये एक नेक्सस है. उसको ब्रीच बीच में ब्रेक करते हैं बट दे आर ऑल्सो एक दे गो वन स्टेप अहेड. पुलिस के पास इक्विपमेंट जब तक आती है तब तक वो और फर्दर कुछ आगे इक्विपमेंट ले लेते हैं. हमारा तो सब कुछ का सैंक्शंस और ये सब करते ट्रेनिंग करते करते टाइम लगता है, तब तक वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन अब वी आर एबल टू, हमें लगता है कि अगले 5-10 साल के अंदर हम उनके तुर्की बतुर्की उनके बराबर चल पाएंगे ऐसा लग रहा है. पर ये उनका तरीका है आमतौर. This is a problem in the UK. We have many, many people who suffer from human trafficking. And it's also an international problem, as Anna Radhaji was talking about, you know, the link between India and the UAE. I was thinking about the links between the UK and countries like Nigeria. And we now have criminal groups in the UK who are trafficking people from one country outside the UK to another country outside the UK. One of the things we're proud of in the UK is that we now have laws for the worst crimes, where if you commit a crime overseas, you can be prosecuted in the UK. So last year, a British woman who trafficked 5 Nigerian women from Nigeria in Africa to Germany was convicted in the UK. And that's something that's quite new that we think is making a difference. Once the victim is rescued, well, then what the post mental and psychological trauma that they go through? Because we all know mental health plays a main role. If they're not fit from their mind, they won't be survived. And we know this fact also that society's criticism follows along. So what steps should be taken from a scratch to, you know, provide them with the relief? We are quite lacking in this, and one of the conundrums that the police has is कि ये जिसको हमने अभी बचाया है इसको लेकर कहाँ जाए. कई बार जो शेल्टर होम होता है वो अपने आप, जैसा आपने पहले कहा, बहुत ख़तरनाक जगह होती है. नॉट ओनली कि वहाँ उनका उनके साथ कोई शोषण होगा, बहुत गंदा सा, इल मेंटेन, उसके ऊपर खर्च नहीं होता, परेशानियाँ हैं. लेकिन इसमें एनजीओ सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है. इनफैक्ट हमारे यहाँ तो चाइल्ड लाइन बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें, खासकर बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं वो लोग. और जो हमारा ये गैर सरकारी संगठन है वो उसमें हमें काफ़ी सहयोग करते हैं. और हमने हमारे यहाँ, मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इन राज्यों में पुलिस ने पर्टिकुलर एनजीओज़ के साथ मित्रता करके और उनके साथ में इनके कम से कम उनको तत्कालिक जो कुछ सहारा चाहिए, बातचीत करने के लिए चाहिए, वो तत्कालिक उनको मिलता है. अब वो आगे का, जहाँ तक है, कई बार परिवार में वापस नहीं लेते. खासकर मैं आपको बताऊँ,
बच्चों को तो वापस ले भी लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी लड़की होगी तो वापस नहीं लेते, लड़कों को भी वापस ले लेते हैं। बड़ी लड़की को बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो विवाहित है तो ना तो उसके माता पिता उसको लेते हैं और ना तो ससुराल वाले उसको लेते हैं। तो ऐसे में फिर कोई ना कोई थर्ड प्लेस कहीं, तो ये अभी इसमें काम चल रहा है, और मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं इसको कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन कई राज्यों में, मैं आपको जिन राज्यों का मैंने नाम बताया, इन सभी राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आई थिंक ऑल्सो तेलंगाना, मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक और तमिलनाडु, इतने राज्यों में, और केरल में तो बहुत पहले से चल रहा है। केरल में तो बहुत ही मतलब 25-30 साल से केरल में चल रहा है, क्योंकि केरल में कबूतरबाजी की समस्या उसी प्रकार की थी जो पंजाब में थी। जी हाँ, केरल वाले सब मिडिल ईस्ट वगैरह ले जाते थे, तो ये जो पंजाब वाले कनाडा ले जाते थे वो यहाँ ले जाते थे, ऐसा था वहाँ पे। तो केरल का पुराना इस्टैब्लिश्ड है और कई लोगों ने उसी को कॉपी किया है, तो वो हो रहा है। उत्तर भारतीय राज्यों में अभी कमी है, ये है, ये पूरे उत्तर भारतीय राज्यों, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मुझे बंगाल का नहीं पता, लेकिन इन राज्यों में अभी दिक्कत है। तो धीरे धीरे ये हो रहा है, मेरे ख्याल से जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी ये होगा। मेरी दृष्टि से विक्टिम्स को बहुत विशेष समर्थन की जरूरत है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। But I actually think the most important thing victims need is for society to treat them as victims. Okay, so victims, let's think about women who are victims of prostitution. They are not dirty. They are not to be blamed. They are not to be rejected by their societies. They are victims who've had the most terrible situations happening to them. And that's behavior and societal change. That's the most important and difficult. It is a very ideological problem as well, because then that should come from the school level. Why is it that, obviously there are discussions about sexism, everything going around these days. But then when we talk about human trafficking as such, when it is about, acha, sab kuch ho gaya, theek hai. But ab jab finally rescue kar gaya, rescue ke baad kya? About acceptance. So what do you think can be the ideological, how fixation for that matter? Patriarchal, jo society hai, usme sawal auraton ka abhi 100 saal purana hai. ये समाज जो पेट्रियार्कल है ये लगभग 10 लाख साल पुराना है, और लगभग 100-150 साल पहले से यूरोप से और अमेरिका से, भारत से, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने उनको बिल्कुल ऐसा दिया कि स्वतंत्र रूप से अकेले उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं औरतों ने हिंदुस्तान में, आपको पता है 1857 में भी लड़ी हैं अकेले लड़ाइयाँ। तो ये, पर ये सारा कुछ होते हुए भी जैसे जैसे हमेशा एक पैरेलल डिस्कोर्स चलता है। तो आप ये देखिए, जैसे जैसे औरतों का की केंद्रीय भूमिका बढ़ रही है, सेंट्रल जो रोल है उनका वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूरी दुनिया में नेताओं के रूप में अल्फा मेल का राइज हो रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरी दुनिया में शासन करने के लिए जनता को कौन पसंद आ रहा है? बिल्कुल एग्रेसिव, दमदार, और वो आपको कभी शेर देखते हुए मिलेंगे, कभी आपको कपड़े उतार कर तैरते हुए मिलेंगे, कभी इस प्रकार के पुरुष के पौरुष को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित समाज में आज किया जा रहा है, जितना पहले कभी नहीं किया गया है ना। दुबले पतले महात्मा गांधी से वो किसी ने भी नहीं कहा कि आप शरीर बनाओ, पर अभी हर जो बड़ा आपका नेता है वो शारीरिक से भी फिट है, उसकी बहुत सारी महिलाओं से मित्रता भी हो सकती है, और वो क्षम्य भी है, इट इज़ एक्सक्यूजेबल। तो ये सारी चीज़ें, ये एक पैरेलल चलता है, क्योंकि ये तो एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में ये झंझट चलने वाली है। और जो समाज की मानसिकता है, और आपको मालूम है कि नहीं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफिक साइट्स की सर्च भारत में होती है, पता है ना आपको, सबसे अधिक। तो हमारे बहुत रिप्रेस्ड भी सोसाइटी है ना, बहुत कायदे में रहना है, कैसे कैसे करना है, और हर अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी को माँ समान देखना है। अभी आज ही बच्चे लोग इतना माँ माँ कर रहे थे, मैंने कहा हमारे यहाँ माँ कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी केंद्रीय है। तो इस सारे केंद्रीयता में आप एक पाखंड के रूप में भी जीते हैं। तो ये एक पाखंड है, इसको धीरे धीरे, ये तब करेगा जब पब्लिक स्पेसेस औरतें ऑक्यूपाई करेंगी। व्हेन वीमेन आर गोइंग टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम पब्लिक स्पेस, एटलीस्ट 50% ऑफ द पब्लिक स्पेस, विच इज़ जो कि रेशियो उनके आबादी के रेशियो के हिसाब से, तो ये आप जब ऑक्यूपाई करेंगी
तो ये धीरे धीरे ये जो आइडियोलॉजिकल सवाल आप कह रही हैं ये तब चेंज होगा। राधा जी ने जो बात कही अल्फा मेल के राइज का, एक बड़ा ही वाइड स्प्रेड फिनोमिनन है। राजनीति में भी अल्फा मेल लीडर्स, न सिर्फ हमारे देश में लेकिन रूस देख लीजिए, फिलिपीन देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, इस किस्म की अल्फा मेल और वो प्रोजेक्ट होता है। और कुछ कारण ऐसे हैं कि इस इमेज को प्रमोट भी किया जाता है, जो ज़्यादा चिंगाड़ता है, जो छाती ज़्यादा ठोकता है अपनी, जो ज़्यादा दूसरे के बारे में बुरा भला कहता है, वो एक प्रवृत्ति है। लेकिन उस प्रवृत्ति से लड़ने के लिए मेरे ख्याल से हमें अल्फा फीमेल रोल मॉडल चाहिए। और इसलिए न सिर्फ ये ज़रूरी है कि महिलाएं ज़्यादा राजनीति में आएं, वर्कफोर्स में ज़्यादा महिलाएं आएं। हमारे देश में महिलाएं वर्कफोर्स में दुनिया के सबसे कम देशों में, और ये गिनती नीचे जा रही है। कई साल पहले जब मैं यूएन वुमेन में काम करता था, हमने एक स्टडी कराई। 1973 में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा को अगर आप जोड़ लें तो लगभग 13% महिलाएं थीं। 2011 में जब ये अध्ययन हुआ 12% महिलाएं थीं। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि भाई हमारे बार इस बार कुछ 70-80 महिलाएं संसद में आ गई हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब तब तक कुछ नहीं होगा जब तक बाकी क्षेत्रों में भी महिलाएं आ गई हैं। Two things that I wanted to say. One was you talked about how do you actually it's how do you bring people with you in this movement, and what we have learned with our limited experience working at the grassroots is to start engaging, to start having conversation, to talk about things we are scared to talk about because they're elders or because they're somebody different, because we don't know them. So I think number one is to talk, to start engaging with your parents, to start engaging with your neighbors, with your friends. We saw it in one of the plays, how they said that, you know, we saw that. So I think one solution is obviously that. Second, at an institutional level, I feel it is very important that in schools, parents, these conversations happen with the parents. We are doing it in some of the remote areas in the Northeast where we are working, where in the schools where we work, we are actually engaging the parents in conversation and talking to them about human trafficking, talking to them about the importance of reaching out. This is a question raised about terrorism and insurgency also, that you know, if you stop the funding, it stops. What happens is that there is a human question. And the human question is that yahan par sabhi logon ke liye muh mein khana nahi hai. गुरबत का फ़ायदा लोग उठाते हैं, लोगों की गरीबी का फ़ायदा लोग उठाते हैं। दूसरी चीज़ जो ममता जी ने शुरू में ही कहा वो है एक एस्पिरेशन की बात, है ना, कि इच्छाएं आपकी इतनी हो गई कि आपको 300 रुपए की घड़ी में वही वक्त दिखता है, 3000 की घड़ी में वही वक्त दिखता है, मगर आपको 3000 की घड़ी चाहिए। हमारे यहाँ जो चेन स्नैचिंग का एक गैंग पकड़ा गया तो उससे पूछा कि क्यों कर रहे हो, अच्छे खासे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमको नया मोबाइल लेना था इसलिए हम चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। तो ये जो ज़माना ऐसा है लोगों के अंदर चीज़ों की, चाहे वो उनकी लाभ और लालच और इन चीज़ों के फ़ायदे की उनके अंदर इतनी ज़्यादा इच्छा है, इसके कारण माहौल ऐसा है कि वो कुछ भी करके पैसे कमाएंगे। तो जैसा वो ड्रग्स बेच के पैसे कमाएंगे, हथियार बेच के पैसे कमाएंगे, उसी तरह लोगों को बेच कर पैसे कमाएंगे। आपसे कहा ना कि तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये, तो तीसरी इसलिए है क्योंकि पहला जो है वो हथियार है, फिर ड्रग्स है और फिर ये है, तो सारी बुरी ही चीज़ों की इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके इसलिए ये तो दुनिया का ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलेगी तभी ये होगा। और इस फंडिंग को रोकना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ही जैसे टेंटिकल्स इसके बहुत फैले हुए हैं,
लोगों की मजबूरी का कहीं लाभ उठाते हैं, कहीं लोगों की इच्छाओं का लाभ उठाते हैं, और इसलिए ये होती है। तो इसको धीरे धीरे इसको टैकल किया जाएगा, उससे पूरी दुनिया को मिलना पड़ेगा, क्योंकि देने वाला कोई है, लेने वाला कोई है, बीच का रास्ता कोई और है। पूरी दुनिया की जो इंटरकनेक्टेडनेस है बिकॉज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिव ईज, उसके चलते ये बहुत ज़्यादा इसका खतरा है। तो ये एक मसला है। आपका जो सवाल है लेजिस्लेशन दो होने का, तो सारा प्रोस्टिट्यूशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लिंक नहीं है, ये तो बहुत ज़माने से बड़ा क्लियर है। कई सारा प्रोस्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है ना, वो संस्थागत रूप से वेश्यावृत्ति चलती है, जैसे कि बम्बई की कमाटीपुरा है, या कई जगह, जैसे कई जगहों शहर दिल्ली में भी ऐसी जगहें हैं जो जिनको आप रेड लाइट एरिया हमारे यहाँ कहा जाता है ना। तो रेड लाइट एरिया के अंदर संस्थागत वेश्यावृत्ति बहुत ज़माने से चल रही। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि उसके लिए लाइसेंस दे देना चाहिए, वैधानिक कानून दे देना चाहिए, और वहाँ जो है वो अनिच्छापूर्वक नहीं है। ये इस चीज़ को सिर्फ देख लेना चाहिए कि कोई अंडर कंपल्शन टू नहीं है, अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट कंसेंट, ये नहीं है। रेप लॉ में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी ये है कि अगेंस्ट द विल एंड विदाउट कंसेंट, कंसेंट का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमेशा विदाउट कंसेंट, क्योंकि कंसेंट की समझ आपको है या नहीं, ये ज़्यादा है कि आपने जो अगर हामी भरी तो हामी के बगैर, तो हामी क्यों आपने कैसे भरी, उसके सवाल उसका है कि उसका प्रोसेस क्या था। तो इसलिए वो लेजिस्लेशन इस प्रकार से अंतर करता है, और वो ज़रूरी भी है। ज़्यादा कहने को नहीं है, मेरा तो अनुभव यही है कि बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखना कि बाकी समाज बदल जाएगा या सारे कानून बदल जाएंगे, मेरे ख्याल से मैंने वो उम्र हो गई है, मैं सोचता हूँ कि अगर खुद देखा खुद कर लिया तो वो काफ़ी है, मैं यही कहूँगा। जस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम पे आपने जो बात की है, एक स्टैटिस्टिक्स हमें सुबह ही मिला, चारों शेयर की, फॉर्चून 500 कंपनीज में 97 रैंक है। सो आप यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ pressure, the kind of forces that exist to fight this. But we should not lose hope, because there are efforts which are happening. And as Anuradha ji said, ye ek process hai, isko na ye ek movement banana padega. Jab tak aap ye movement nahi banaoge jahan pe har koi jo is economic flow se affected hota hai ya impacted hota hai wo conscious na ho, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। देर आर लाइक वी जस्ट हर्ड रिचर्ड शेयर इन द मॉर्निंग दैट ब्रिटिश हाई कमीशन इज़ वर्किंग विद सम बिजनेस हाउसेस टू एंड टू सी दैट दे रेज अवेयरनेस एंड दे इन देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एनीथिंग टू डू विद लेट्स से चाइल्ड लेबर और एनी काइंड ऑफ सच एक्सप्लॉयटेशन डज नॉट हैपन, फॉर एग्जाम्पल। दैट इज़ वन वे द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली। वी नीड नॉट जस्ट विल, वी नीड नॉलेज, वी नीड टेक्नोलॉजी, and we need to really come together. I think that each one of us, for me, you all have a big responsibility. You are going to get into your own profession. Some of you will become big corporate, will join the big corporate, some of you will work in the sector, some of you are going to join the government, and I think that you all can play a big role in stopping this. Say something, when you see something, say something, never forget that. And so, chuppi tod, hala bol. Can we just say that once again? Hala bol! Aur thoda uncha, hala bol! Hala bol!